जीरो से अधिक और 90 अंश से कम का कोण न्यून कोण कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 90 अंश का जो कोण होता है वो समकोण कहलाता है। तो जीरो से अधिक और 90 से कम, ये जो कोण होता है ये आपका क्या, और जो एग्जैक्ट 90 अंश का होता है ये आपका समकोण कहलाता है। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम का कोण अधिक कोण, इसको हम एक्यूट एंगल, सॉरी ऑब्टूस एंगल भी कहते हैं। 180 अंश का जो कोण होता है इसको रिज कोण कहते हैं, या फिर ये स्ट्रेट एंगल के नाम से जाना जाता है। 180 से अधिक और 360 से कम का कोण रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, और 360 अंश का जो कोण होता है इसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं, या इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपका संपूर्ण कोण हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, हमारे यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको मैचिंग करना है, जैसे आपको अभी बताया गया उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। हमें यहाँ पर लिखा गया है 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम का जो कोण होता है वो क्या होता है, अधिक कोण होता है। उन्होंने अपने आप ही हल कर दिया है। 180 अंश से अधिक और 360 से जो कोण कम होता है, 180 से अधिक और 360 से कम, इसको हम बोलते हैं वृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ पे मिला दिया गया। 90 अंश का कोण होता है समकोण, इसको आप समकोण से मिलाएंगे। 0 से अधिक और 90 से कम, ये आपका न्यून कोण कहलाता है, और 180 अंश का यह स्ट्रेट कोण या रेखीय कोण या रिज कोण कहलाता है। तो ये था हमारा। अब हमारे पास एक अन्य कार्य है, बिंदु आ को बा से मिलाओ और कोण की नाप तथा उसका नाम लिखो। यहाँ पर एक कोण दिया गया है, कोण का नाम है आ बा सा, और इस कोण को हमने जब नापा तो नापने पर हमारे कोण का मान निकल के आया 90 अंश। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह होता है प्रोटेक्टर, और इस मध्य बिंदु को यहाँ पर, इसको आप रिफ्लेक्स बिंदु कहते हैं, इससे मिलाया और यह 90 अंश की सीध में आ रहा है, इसलिए इस कोण का नाम 90, मान 90 अंश और नाम समकोण रखते हैं। अब हमको क्या करना है, बिंदु बा और आ को मिलाना है। तो हमने पहले आ और बा को मिला दिया इस तरह से, और अब ये जो हमारा कोण है इसका एंगल हमें नापने पर पता चलता है इस कोण का मान 60 अंश है। तो कोण आ बा सा कितना है, 60 डिग्री, और इसका नाम होता है न्यून कोण। इसी प्रकार अगला जो है, आप आ और बा बिंदु को मिलाएंगे। जब आपने आ और बा बिंदु को मिला दिया इस तरह से, आप इस कोण को मिलाने पर आपको प्राप्त होता है 120 अंश। तो यह कोण कितना है, 120 अंश। आ बा सा कोण का मान 120 अंश, यह कोण अधिक कोण कहलाता है, ऑब्टूस एंगल, क्योंकि इसका मान 90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है। अंतिम कोण आ बा और सा, आ और बा बिंदु को मिलाने पर यह कोण आप कैसे ज्ञात करेंगे, यह कोण आप 180 में 50 और जोड़ दीजिए, यह आपका कोण होता है 230 अंश का। इस तरह से इसको नापा जाएगा और यह अनुमान होगा 230 अंश, और यह कोण आ ब सा मान हुआ 230 अंश, और यह कोण आपका कहलाएगा वृहद कोण, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। अब अंतिम कोण आपको बा से मिलाना है। यह एक सीधी रेखा बन जाती है, और यह जो कोण होता है वो कोण, सीधी रेखा का कोण 180 अंश होता है। इस कोण का नाम लिखना है कोण आ बा और सा, इसका मान 180 अंश, और यह रिज कोण कहलाता है।